गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। ठीक है बच्चों, हमने पिछले वीडियोस में क्या पढ़ा है? हमने पिछले वीडियोस में वर्ब पढ़े थे। ठीक है, वर्ब के सारे काइंड हमने पढ़ लिए। वर्ब के मैंने आपको जितने भी काइंड बन सकते थे वो मैंने आपको बताए। ठीक है, मैं आपको फिर से रिकॉल करवा देता हूँ। बच्चों हमने क्या क्या पढ़ा था आपको याद होगा? वर्ब में हमने टू टाइप बताया था आपको। कौन सा? एक तो मेन वर्ब, दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, मेन वर्ब में मैंने बात की थी आपसे दो तरह के वर्ब की। कौन कौन से? फाइनाइट, नॉन फाइनाइट की। ठीक है, और यहाँ पर भी मैंने आपको फाइनाइट के भी कितने टाइप होते हैं, नॉन फाइनाइट के भी कितने टाइप होते हैं, सारे मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, अब हम बच्चों एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है ऑक्सिलरी। ठीक है, यानी कि मॉडर्न ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी में भी आपको दो तरह के बता चुका हूँ, एक होते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी और दूसरे होते हैं मॉडर्न ऑक्सिलरी। तो बच्चों हम प्राइमरी पे बात कर चुके हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न ऑक्सिलरी के बारे में। और ये आपका न्यू चैप्टर होगा मॉडर्न ऑक्सिलरी। ठीक है, ये एक न्यू चैप्टर होगा जिसको हम लोग मॉडर्न ऑक्सिलरी के नाम से पढ़ेंगे। और ये बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाले चैप्टर में से एक है। तो बच्चों इसको बहुत ही आप लोग ध्यान से पढ़िएगा ताकि ऐसा ना होने पाए कि आप कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊँ और आप मिस आउट कर जाए। ठीक है बच्चों, सबसे पहले आज हम लोग इंट्रोडक्टरी वीडियो है ये मॉडल का। मॉडल क्या होता है, इनका काम क्या होता है, ये हम जानना सीखेंगे। उसके बाद ही हम मैं आपको एक एक मॉडल करके सबके बारे में समझाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले बच्चों इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। देखिए बच्चों, जब भी बात मॉडर्न ऑक्सिलरी की करते हैं तो ये भी एक ऑक्सिलरी है, यानी हेल्पिंग वर्ब है। ये भी मेन वर्ब से पहले आता है। ठीक है, लेकिन जैसा कि आपने पढ़ा था प्राइमरी ऑक्सिलरी में, तो प्राइमरी ऑक्सिलरी में क्या होता था, जब मेन वर्ब अब्सेंट होता था तो प्राइमरी ऑक्सिलरी ही क्या बन जाता था, मेन वर्ब बन जाता था। बट इन केस ऑफ मॉडर्न ऑक्सिलरी दिस कैन नॉट हैपन, राइट? बिकॉज मॉडर्न ऑक्सिलरी कैन नॉट वर्क एज अ मेन वर्ब। So you have to remember that point, okay? You cannot make a modal auxiliary act like a main verb, right? तो चलिए इस बात पर ही हम आगे चीजों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट ये है कि मॉडल ऑक्सिलरी कभी भी खुद में मेन वर्ब नहीं होता, ये एक ऑक्सिलरी है और ऑक्सिलरी के रूप में ही प्रयोग होगा। कहने का ये मतलब है कि बच्चों कि यानी अगर आप मॉडल ऑक्सिलरी को प्रयोग करना चाहते हैं तो उसके साथ में एक मेन वर्ब आना मैंडेटरी होगा। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर नाउ बच्चों। चलिए अब मैं समझाता हूँ कि मॉडल ऑक्सिलरी का काम क्या होता है। सबसे पहले आप यहाँ देखिए, जैसे आपने देखा I am going, ठीक है, I am going। तो बच्चे इससे क्या मालूम चल पाता है आपको? देखिए ऑक्सिलरी ये भी है, एम भी है। ठीक है, ये क्या है, ये तो मेन वर्ब है, ये तो मेन वर्ब है और ये ऑक्सिलरी है। फर्क क्या है यहाँ पे? I am going से आपको मालूम चलता है मैं जा रहा हूँ, इससे एक टाइम का मालूम चल जाता है। जो मैं प्राइमरी आपको पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बता दिया था कि टाइम का डोनेशन करने के लिए हम लोग जो है प्राइमरी ऑक्सिलरी का यूज करते हैं। बट इन केस ऑफ मॉडर्न ऑक्सिलरी, मॉडर्न ऑक्सिलरीज डोंट डिनोट टाइम। ठीक है, सबसे पहले तो आप इस चीज को क्लियर कर लीजिए कि मॉडर्न ऑक्सिलरीज टाइम को डिनोट नहीं करते एक्सेप्ट अ फ्यू। ठीक है, कुछ कुछ को छोड़कर बाकी ये टाइम को डिनोट करने का इनका काम नहीं होता है। कुछ आते हैं बट ये काल यानी टेंस को डिनोट तो बिल्कुल नहीं करते। टेंस का ये कहने का ये मतलब है कि पास्ट में हुआ, प्रेजेंट में हुआ, इससे बिल्कुल इनका लेना देना नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज हम एक एक चीजों को जानेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा I can go। ठीक है, आई कैन गो, मैं जा सकता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले बात आप क्या देखेंगे, यहाँ पर आई कैन गो, यहाँ पर क्या है, ये आई सब्जेक्ट है, कैन क्या है मॉडल है, गो क्या है मेन वर्ब है। ठीक है, और क्या आप इसको इस तरह लिख सकते हैं आई कैन बिना मेन वर्ब के? आप नहीं राइट कर सकते, यानी सेंटेंस में आप बिना मेन वर्ब के आप इंडिपेंडेंटली एक मॉडल ऑक्सिलरी को नहीं राइट कर सकते। यू जस्ट कांट राइट अ मॉडल ऑक्सिलरी इंडिपेंडेंटली, राइट? यू विल हैव टू टेक द हेल्प ऑफ मेन वर्ब इन केस यू वांट टू राइट, यू वांट टू यूज अ मॉडल ऑक्सिलरी। ठीक है, तो ये चीज आपको करनी ही पड़ेगी बच्चों, ये आपको अपने दिमाग में बिठाना ही पड़ेगा कि मॉडल ऑक्सिलरी को साथ साथ प्राइमरी ऑक्सिलरी के साथ साथ लेके चलना पड़ेगा। ऐसा आप प्राइमरी ऑक्सिलरी में करते थे कि आप बिना मेन वर्ब के आप जो है प्राइमरी ऑक्सिलरी को पुट कर दे रहे थे और वहां पर वो मेन वर्ब बन जा रही थी। बट यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं होने वाला है, ये तो पहली रूल है। अब बच्चों इनका काम क्या होता है ये समझेंगे।
आज हम कुछ मॉडल ऑफ व्हील को जान लेते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट मॉडल ऑफ व्हील्स कौन कौन सी होती हैं, जिनके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट मॉडल ऑफ व्हील होता है बच्चों, वो होता है व्हील और शेल। व्हील एंड शेल क्यों ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है बच्चों? क्योंकि आप जानते हैं टेंस का यूज, टेंस में इनका यूज ज़्यादा किया जाता है, ठीक है, सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। उसके बाद आता है बच्चों कैन। उसके बाद क्या आता है? कैन, अगेन वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडल ऑफ व्हील्स, राइट। उसके बाद बच्चों आता है आपका मे। फिर आता है बच्चों हुड, माइट, मस्ट, वुड, शुड, नीड, और बच्चों यूज टू, ऑट टू, ये सारे इतने इंपॉर्टेंट मॉडल ऑक्सिलरीज बच्चों, जिनके बारे में हमें डिस्कस करना है। इसके अलावा और भी कुछ होते हैं जो मैं आपको टाइम बाय टाइम समझाता रहूँगा, ये इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज या आने वाले जो भी वीडियो हैं उनमें, ठीक है। सो बच्चों सबसे पहले हमें क्या देखना है? सबसे पहले हम आज बात कर लेते हैं कि मॉडल का यूज हम क्यों कर रहे होते हैं, ठीक है। मॉडल ऑक्सिलरी का यूज हमें क्यों करना चाहिए? अब बच्चों कहीं कहीं सेंटेंस में आप देखिए कि हर बार आप केवल प्राइमरी ऑक्सिलरी के बल पे ही कोई लैंग्वेज नहीं बोल सकते, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि आप नहीं बोल सकते, मैंने यहाँ पे क्या दिखाया? यहाँ पे मैंने दिखाया एक कैपेबिलिटी दिखाई, एक एबिलिटी दिखाई। तो क्या आप किसी लैंग्वेज में एबिलिटी शो करने के लिए कैसे आप प्राइमरी ऑक्सिलरी का यूज करेंगे? आप बताइए, अगर आपके सामने यहाँ पे जितने भी प्राइमरी ऑक्सिलरी हैं, ठीक है, डू, बी, हैव, इन तीनों का यूज करके क्या आप इसमें से किसी में से पावर या कैपेबिलिटी को शो कर सकते हैं? आप नहीं शो कर सकते, ठीक है। तो इसमें लिए आपको कुछ अलग ऑक्सिलरीज को लेना पड़ेगा और वो ऑक्सिलरीज कहलाते हैं मॉडल। यानी अगर इन शॉर्ट अगर हम कहें तो ऐसे ऑक्सिलरीज जिनसे सेंटेंस में कैपेबिलिटी, पावर, एफिशिएंसी, पॉसिबिलिटी एक्सेट्रा शो किए जाते हों वो कहलाते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज, ठीक है। ये थी डिफिनेशन आपकी जो मैंने अभी आपको बताई। क्या होती है? एफिशिएंसी, पावर, पॉसिबिलिटी, कैपेबिलिटी, एबिलिटी, ठीक है। या उसके अलावा बच्चों और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि कहीं कहीं पे पास्ट या फ्यूचर एक्शन भी दिखाया जाता है। तो ये चीज़ें क्या होती हैं? ये मॉडल ऑक्सिलरीज कहलाती हैं, ठीक है। तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। काम बिल्कुल वैसा है जैसे कि प्राइमरी ऑक्सिलरी का था, मेन वर्ब से पहले आके ये सेंटेंस को बनाने का काम कर रही होती हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या होती है वो सबसे पहले याद कर लीजिए, सबसे पहले जान लीजिए। जब आप गैप फिलिंग करें, एडिटिंग करें, तो आपको बात याद रखनी है कि मॉडल अपने हमेशा, जब मॉडल हमेशा अपने नेचुरल फॉर्म में होगा तो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे केवल और केवल कैन है, कैन के साथ कुछ नहीं लगा, कुछ नहीं का सेंस ये है कि इसके साथ बी या हैव नहीं लगा हुआ है। तो अगर कैन अकेले है, इंडिपेंडेंट है, तो इसके साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। यानी जितने भी मॉडल ऑफ व्हील्स होते हैं उनके साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, और आप ये चीज नोट कर लीजिएगा, ठीक है, कि जो मॉडल ऑफ व्हील्स होती हैं दे टेक फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, राइट। ये आपको नोटिस कर लेना है, यू हैव टू कीप दैट इन माइंड सो दैट यू डोंट फॉरगेट व्हेनेवर यू सिट इन एग्जाम, राइट। तो आप इन चीजों को ना भूलें जब आप एग्जाम में बैठे हैं, इसीलिए आपको ये चीजें दिस थिंग्स शुड बी फिटेड इन योर माइंड, ओके। चलिए बच्चों, तो ये चीजें आपने क्या देखी, इनके साथ क्या होगा आप इनके साथ नोट कर लीजिएगा, एक यहाँ पे नोट बना के। चलिए अभी मैं कराऊंगा उसको आगे फिलहाल अभी आपको। चलिए अब मैं एक एक चीजों को लेकर समझाने की कोशिश करता हूँ, कुछ सेंटेंसेस ले लेते हैं और देखते हैं कैसे चेंजेस आते हैं मॉडल की वजह से सेंटेंस में, ठीक है, कैसे सेंटेंसेस में मॉडल्स की वजह से चेंज अप्लाई किए जाते हैं, ठीक है। चलिए, चूंकि मैंने आपको बताया आज इंट्रोडक्टरी वीडियो है, इंट्रोडक्शन है, तो मैं आपको आज केवल इंट्रोडक्शन दूंगा कि मॉडल का कैसे यूज है, क्या इनके फायदे हैं, और लैंग्वेज में इनसे हमें क्या फायदा मिल सकता है, और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको आज कराऊंगा, ठीक है। इस टाइप के चीज़ों को मैं आज आपके सामने रखूंगा।
देखिए बच्चों, सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो पॉइंट ये है। देखिए, चलिए मान लीजिए लिखा है से यहाँ पे आई, मान लीजिए आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछा, ठीक है, कि हु कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कौन सॉल्व कर सकता है। ऐसे में आंसर आपका आया कि मैं कर सकता हूँ, ठीक है, आपका आपको कहना है कि मैं ये उत्तर, इसका उत्तर दे सकता हूँ या फिर मैं इसका जवाब दे सकता हूँ। लेकिन आपको पता नहीं कि आप कैसे इसको इंग्लिश में बोलें, ठीक है, लेकिन आपको पता है कि आपको अगर प्राइमरी ऑक्सिलरी पता है, जैसे कि बी है, डू है या है, लेकिन आपको उत्तर ये नहीं करना कि मैं जानता हूँ, मैं जान रहा हूँ या मैं जानूंगा। आपको तो ये बोलना है क्या कि मुझे, मैं ये उत्तर दे सकता हूँ, ठीक है, यानी कहीं ना कहीं आपकी जो एफिशिएंसी या आप कह लीजिए कैपेबिलिटी है, आप शो करना चाहते हैं उस सेंटेंस में, तो आप उस सेंटेंस में उस एफिशिएंसी या उस कैपेबिलिटी को शो करने के लिए क्या रखेंगे, तो वहीं पर जो आप यूज करेंगे मॉडल वो आएगा कैन या मे का, ठीक है। ये मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, एक रफ आइडिया दे रहा हूँ, तो फिर मैं आपको मे और कैन को सबका अंतर बता दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं बच्चों कि कैन, सॉरी, कि कैसे हम अपने सेंटेंस में इस बात को रख सकते हैं। जैसे देखिए, आई कैन आंसर दिस क्वेश्चन, यहाँ पे क्या हुआ, आपने बता दिया कि मैं इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता हूँ। सो नाउ इट हैज बिकम इजी फॉर यू, ठीक है, आपके लिए आसान बन चुका है कि आप इसको जो है आराम से इसका आंसर दे पाएंगे जो आपके मन में है, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है कि इसका जानना भी हमें ज़रूरी होता है, ठीक है। तो आई होप डेफिनेशन समझ में आ चुकी है, इनका यूज समझ में आ चुका है, कैसे करना है वो समझ में आ चुका है। नोट आप ये कर लीजिए कि मॉडल ऑक्सिलरीज के साथ हमेशा, ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरीज प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, आप हमेशा याद रखेंगे कि मॉडल ऑक्सिलरीज के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है, ठीक है। इन केस इनके साथ अगर बी या हैव लगा दिया जाए तो आप वो केस चेंज हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको बताया हुआ है कि अगर बी कहीं दिखाई पड़े, कहीं भी बी दिखाई पड़े, तो बी के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लग जाती है और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है। तो अगर इनके साथ भी वही काम कर दिया जाएगा तो आपको तो भाई मजबूरी है आपकी कि बी लगा हुआ है इसलिए आपको आईएनजी फॉर्म लगानी पड़ जाएगी, हैव लगा है इसलिए थर्ड फॉर्म लगानी पड़ जाएगी। अभी हम बी और हैव की बात नहीं कर रहे, अभी हम केवल और केवल नॉर्मल यानी अपने जो नेचुरल फॉर्म में होते हैं मॉडल उनकी बात कर रहे हैं, उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइएगा। कुछ बच्चों को क्वेश्चन आ जाता है सर, जैसे कि यहाँ पे बोल देंगे सर शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, तो बच्चों कंफ्यूज मत होना, शुड हैव के साथ लगाया है, शुड के साथ नहीं लगाया, ठीक है। शुड के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही चलनी होती है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे कि मॉडल ऑक्सिलरी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चलेगी, यानी आपका जो एक बच्चों स्ट्रक्चर बनता है मॉडल का वो कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस मॉडल ऑक्सिलरी, ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरी प्लस आपका बच्चों वर्ब आ जाएगा, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होगा और फिर आपका जो भी कॉम्प्लीमेंट है वो हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बच्चों इस तरह से एक स्ट्रक्चर बन जाएगा, इसको आप नोट कर सकते हैं, फिर हम एक एक मॉडल को उठा के उन पर डिस्कस करना शुरू करेंगे, और आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे विल एंड शैल के बारे में, ठीक है। सो आई होप कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें पहले। So you must have taken the screenshot by now. चलिए अब हम will और shall के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, और ये one of the most important model auxiliaries हैं। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि will shall को आप अच्छे से हर एक इनका यूज जो है वो पढ़ लें, समझ लें, ठीक है। चलिए बच्चों, देखिए बच्चों, विल एंड शैल, विल एंड शैल, हालांकि ये दोनों ही अलग अलग ऑक्सिलरी है, इसीलिए हम उनको आज अलग अलग ही पढ़ेंगे, बट एक ही ग्रुप में रखते हैं लेकिन पढ़ेंगे अलग अलग, ठीक है। यानी विल को हम अलग पढ़ेंगे और शैल को अलग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे विल की, ठीक है।
देखिए बच्चों, वल क्या है ना, विल जो है वो आज के टाइम का सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला मॉडल ऑक्सिलरी है, ठीक है। किसी भी लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला वर्ड ऑक्सिलरी वो कौन सा है? विल है। क्यों? क्योंकि ये टेंस में भी यूज होता ही है और साथ में ये मॉडल ऑक्सिलरी के तौर पर भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि टेंस में किस मॉडल ऑक्सिलरी का यूज किया जाता है, तो विल और शैल का यूज किया जाता है, बट शैल का यूज विल के मुताबिक उतना ज़्यादा नहीं है। अगर कंपेयर करें, फिर कंपेयर बहुत द मॉडल ऑक्सिलरीज, देन यू फाइंड दैट विल इज अ ब्रॉड टर्म, ठीक है, और इसका यूज कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा है बच्चों। तो चलिए हम देखते हैं विल को बारे में पढ़ते हैं। विल का सबसे पहला जो यूज होता है बच्चों, इसका यूज हम समझ लेते हैं, ठीक है। विल का यूज क्या होता है? सबसे पहला यूज है फ्यूचर एक्शन, फ्यूचर एक्शन बच्चों, ये फ्यूचर एक्शन दिखाता है, इसको आप टेंस में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। फ्यूचर एक्शन दिखाता है, इसका आप यूज टेंस में भी पढ़ चुके हैं। दूसरा आता है बच्चों डिटर्मिनेशन, 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 क्या बच्चों? डिटर्मिनेशन। तो फ्यूचर एक्शन और डिटर्मिनेशन के लिए हम यूज करते हैं विल का, ठीक है। डिटर्मिनेशन, फ्यूचर एक्शन, डिटर्मिनेशन, और एक और चीज होता है बच्चों, वो होता है इमेजिनेशन, ठीक है, इमेजिनेशन। तो ये तीन केस हैं जहां पर विल का यूज किया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा यूज होता है तो वो होता है फ्यूचर एक्शन के लिए, ठीक है। तो बच्चों फ्यूचर एक्शन के लिए यूज कैसे होता है, लेट्स नो अबाउट दैट, चलिए जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों कि विल का यूज किसके किसके साथ किया जाता है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि पहले एक रूल हुआ करता था कि आप आई बी के साथ, आई और बी के साथ फ्यूचर एक्शन दिखाने के लिए, मैं फ्यूचर एक्शन की बात कर रहा हूँ, फ्यूचर एक्शन दिखाने के लिए शैल का यूज किया करते थे, बाकी जो रिमेनिंग जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उनके साथ आप विल का यूज किया करते थे। बट इन टूडेज जनरेशन, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल पूरी तरह फेल हो चुका है, और इस कॉन्सेप्ट फेल तो नहीं कह सकते, बट ये कॉन्सेप्ट एक्सटेंड हो चुके हैं, यानी कि दिस कॉन्सेप्ट इज नो मोर, ठीक है, नो मोर इन यूज, यू कैन से, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि इसका कोई प्रयोग नहीं है आज के टाइम पे। तो बच्चों ऐसे में हम क्या जानते हैं, जानते हैं ये है कि हम विल का यूज सभी सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं, ठीक है, सभी सब्जेक्ट के साथ फ्यूचर एक्शन दिखाने के लिए कर सकते हैं, याद रखिएगा, सभी सब्जेक्ट के साथ फ्यूचर एक्शन दिखाने के लिए कर सकते हैं, ये आप याद रख सकते हैं। तो जैसे फ्यूचर एक्शन की बात करें तो कैसे काम करता है ये, चलिए समझते हैं। जैसे देखिए, आई विल गो टू दिल्ली, आई विल गो टू दिल्ली, आई विल गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली जाऊंगा। तो यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, विल का यूज आ गया फ्यूचर एक्शन की तरह, ठीक है। जैसे आपको कोई बात कह रही कि आप फ्यूचर में कोई काम करेंगे, जैसे आप बोलना चाहते हैं कि कल मैं होमवर्क कंप्लीट करूंगा, ठीक है। सो आप बोलेंगे आई विल कंप्लीट माय होमवर्क टुमारो, राइट। और बच्चों इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनका यूज हम कर रहे होते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए तीसरा है बच्चों डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन का भी यूज हम कर रहे होते हैं, यानी विल का यूज हम तो डिटर्मिनेशन के लिए करते हैं। कैसे करते हैं वो चलिए देखिए बच्चों, तो कैसे हम लोग जो है विल का यूज डिटर्मिनेशन के लिए करते हैं बच्चों, बहुत ही आसान है। डिटर्मिनेशन मतलब होता है कि आपने जो तय कर लिया है, ठीक है, आपने कोई चीज प्रतिज्ञा ले ली है, दृढ़ निश्चय कर लिया है कि आप ऐसा करेंगे, अब तो उसके लिए आप विल का यूज करते हैं। ये भी एक प्रकार का फ्यूचर एक्शन होता है, बट ये काफी लंबे समय के लिए आप ऐसा तय कर लेते हैं कि अब ऐसा आप आज के बाद आप ऐसा नहीं करेंगे या ऐसा करेंगे। जैसे as of now I will not talk to him, as of now का मतलब होता है आज के बाद से, ठीक है, अब के बाद से मैं उसे बात नहीं करूंगा। तो यहाँ पे क्या है, एक स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन दिखाया जा रहा है कि यानी कि आज के बाद वो ऐसा नहीं करने वाला है, तो ये फ्यूचर एक्शन नहीं कह सकते। यहाँ पे उसने कोई डिसाइड नहीं किया कि फ्यूचर में कोई काम करेगा ऐसा, ठीक है, उसने क्या कि डिटर्मिनेशन कर लिया है,
उसने एक तय कर लिया, दृढ़ निश्चय कर लिया, प्रतिज्ञा कर ली कि आज के बाद वो ऐसा काम नहीं करेगा। तो यहाँ के लिए भी हमने बिल का यूज कर लिया। अब बच्चों बात आती है इमेजिनेशन, यानी कि इमेजिन कर रहे होते हैं। जैसे जैसे इमेजिनेशन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक इमेज बनाते हैं, ठीक है, इमेज बनाते हैं कि हाँ हम ऐसा करेंगे, ठीक है। जैसे जैसे आई विल एंजॉय माय एडल्टहुड, ठीक है, आई एंजॉय माय एडल्टहुड। अब बच्चे क्या बोलते हैं कि बड़े होकर जब बड़े होंगे तो अपने एडल्टहुड को एंजॉय करेंगे, तो इट्स अ काइंड ऑफ इमेजिनेशन यू कैन सी, ठीक है, क्योंकि ये अभी बच्चे ही हैं तो वो ऐसा फ्यूचर एक्शन के बारे में उनको पता नहीं है कि हाँ ऐसा करने वाले, बट दे आर इमेजिनिंग दैट दे विल डू दिस वे, ठीक है, दे विल एंजॉय देयर एडल्टहुड, ओके, सो दैट्स अ काइंड ऑफ इमेजिनेशन एज यू कैन सी, ऑलराइट। सो आपको समझ में आ गया होगा कि विल का यूज कहाँ होता है, तो आप भी विल का यूज इस तरह से कर सकते हैं जब भी फ्यूचर एक्शन दिखाने की बात आए, डिटर्मिनेशन दिखाने की बात आए या इमेजिनेशन दिखाने की बात आए, तो आप बिल का यूज कर सकते हैं, ठीक है। बिल का यूज आप बिल्कुल सिंपल तरीके से कर सकते हैं बच्चों, कैसे, पॉजिटिव वे में करेंगे। पॉजिटिव का तरीका होता है सब्जेक्ट, ठीक है ना, प्लस मैंने आपको दिखा दिया था मॉडल यानी कि विल, फिर आपका आ जाएगा वर्ब, फिर आपका आ जाएगा और फिर आपका आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट। जब भी आप निगेटिव में जाएंगे तो निगेटिव में क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। और एक चीज बच्चों, अगर इंटरोगेटिव में आप जाते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड अगर आता है तो क्वेश्चन वर्ड, नहीं तो बच्चों फिर आप विल को आगे करेंगे और फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, अगर नॉट है तो नॉट लगाएंगे, अगर मेन वर्ब तो वर्ब लगाएंगे और फिर ऑब्जेक्ट और फिर कॉम्प्लीमेंट। ये आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो चलिए बच्चों, आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। अब बच्चों हम बात क्या कर रहे थे, हम दिल के बारे में बात कर रहे थे, तो आप इस तरह से विल का यूज कर सकते हैं। नॉर्मली अगर आपको विल यूज करना होगा तो आप कर सकते हैं। बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे शैल के बारे में, किसके बारे में बात करेंगे, शैल के बारे में बात करेंगे। आज आपके लिए होमवर्क ये है कि आप विल से ठीक है, आपको मैं 10 सेंटेंस दे रहा हूँ, 10 सेंटेंस आप विल से बनाएंगे, ठीक है, विल से बनाएंगे, पॉजिटिव 10 आप बनाएंगे नेगेटिव, और 10 सेंटेंस आपके बच्चों इंटरोगेटिव से होने चाहिए, और हाँ ये आपके तीनों पे होना चाहिए, फ्यूचर एक्शन पे भी, डिटर्मिनेशन पे भी एंड इमेजिनेशन पे भी बेस्ड होना चाहिए। सो बच्चों दैट इज इट इन टुडेस वीडियो, हैव अ गुड डे एंड आई होप यू विल सबमिट योर होमवर्क बाय टाइम, सो हैव अ गुड डे एंड थैंक यू सो मच।